नमस्कार, मेरा नाम हरचरण सिंह है। हम JMC वार्ड 32 से आए हैं बिजली के समस्या को लेके। आज चीफ साहब के ऑफिस में आए थे तो यहाँ तो हमें कोई मिला नहीं। चीफ साहब से फ़ोन पे बात हुई है लेकिन वो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री हमें रिप्लाई नहीं दे पाए। और हालात ये हैं कि वहाँ पे अगर एक फ्यूज़ उड़ जाता है ना तो पूरी रात को एक फ्यूज़ लगाने वाला नहीं है। स्टाफ कहीं नहीं दिखता इनका फील्ड में। और शेड्यूल कट जो हैं उनके साथ तो हम सहमत हैं, चलो मजबूरी है इनकी, कहीं लोड ज़्यादा है, शेड्यूल कट है। लेकिन जो अनशेड्यूल कट हैं उनसे तो हम तंग हैं, और इस कदर तंग हैं कि हमें ये 1980 का याद दिला रहे हैं जब हम बचपन में पढ़ा करते थे और लालटेन का इस्तेमाल करते थे। पत्थर है ये, क्यों हो गई, एक साल में इतना क्या हो गया कि लोगों को इतनी परेशानी हो गई कि बिजली इनसे पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रांसफार्मर तो लगी जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहा है, सिस्टम में कहाँ फॉल्ट है, ये तो इनका काम है देखना। और ये लोगों के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं कि ये लोगों की जिम्मेदारी है। भाई लोग अगर हम एक कमेटी से आए हैं कहीं तो हम तो अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले सकते हैं भाई, वहाँ पर तो हम देख सकते हैं, पूरी स्टेट में तो लोग नहीं देख पाएंगे। ये किस लिए बिठाए गए हैं, ये नीड बेस वर्कर पर रख दिया गया है और उन बेचारों को भी तनख्वाह नहीं दी जाती। अब हम उनको एक हम कितना परेशान कर सकते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है। एक गुजारिश ये है डिपार्टमेंट से कम इस सिस्टम को सुधारिए। और ये तो पीक सीजन है, इस समय हम यहाँ पे आए ऑफिस में, कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यहाँ हमें नहीं मिला, बैठ के हम यहाँ से एक घंटा हो गया, 10 बजे यहाँ पे ये बैठे हुए प्रॉपर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और ये सिर्फ नीड बेस्ड वर्कर की मर्जी पर रख दिया गया, हमें जो सैलरी ले रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय इनके वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो अब उनको क्या कहें।